ये इस लाइन को दो अंडरलाइन कर लो अपने घर में लिख लो, क्या है अपना और शरीर आदिक, शरीर आदिक माने सबका लगा लेना, पत्नी का, बच्चों का, मकान का, दुकान का, समाज का, सबका लगा लेना आदिक में, जहां जैसा स्वभाव है बस वहां वैसा पहचान कर भ्रम को मिटा भाई, ये भ्रम को मिटा दे बस, ये धर्म है, करना धरना कुछ भी नहीं है, ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर का कर्ता धरता मैं नहीं, बस इतना भ्रम जो हो रहा है इस भ्रम को मिटा और बाकी शरीर की क्रियाएं जो हो रही उन्हें होने दे, शरीर में जो चल रहा है चलने दे, वो भोजन उसका खाने पीने का जो सिस्टम उसे होने दे, उसमें तू बाधा मत डाल, उसका कर्ता मत बन, खेल में है ना, ये से बहुत गहराई से शरीर का जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, धर्म को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना, इस शरीर से राग भी नहीं करना, उसमें क्या है, देखो भाई हमारे घर में या हमारी फैक्ट्री में मशीन है, मशीन है हमारा काम करके देती है, हमारा माल बनाती है, उसकी जो जरूरत है वन तेल वेल डालते हैं जो चीज जो भी, वो मशीन खराब हो जाए तो उठा के लग कर देती, बात खत्म, दूसरी ले आओ, मशीन से राग तो नहीं करते, करते हो कहीं सो मेरी मशीन में क्यों, अरे खत्म हो गई, इसको उठा के लेके जाओ दूसरी लाओ, ऐसे ये शरीर आदि से राग नहीं करना, ये शरीर है इसका प्रॉपर ज्ञान करना, और ये शरीर कल छूटता था छूट जाए इसमें कोई बात नहीं, दूसरा शरीर मिलेगा, ये शरीर में पकड़ के नहीं बैठना, जैसे लोक में सब समझदार होते हैं कि भाई ये मशीन खराब हो गई इसको ले जाओ, और लोग खुशी खुशी देते हैं, कोई पुरानी मशीन ले जाए और नई आ रही हो तो खुश होते हो कि दुखी होते हो, लेकिन शरीर पुराने से पुराना हो जाए जर्जर हो जाए तो भी इस शरीर में अपनापन करता है, इस शरीर में एकत्व करता है, ये बना रहे ये बना रहे, बूढ़ा आदमी भी मरना नहीं चाहता, ख्याल में है ना, क्यों नहीं मरना चाहता, इस शरीर में हो, अंदर से निर्णय हो कि अरे शरीर में हूं ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर साहब तो इतना बोलते हैं, जब इस बात को बोलते हैं समाधि मन को, तो बोले मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ये शरीर इतना जर्जर हो गया 84 साल 85 साल का हो गया, अब बदल जाए समझते ऐसा बोलते हैं, बदल जाए बढ़िया, अब नया मिलेगा, क्या सोचना, मतलब ऐसे निर्णय होते हैं कि भाई क्या इतना शरीर है अपना, जब तक साथ था साथ, अब छोड़ के अब दूसरा मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, ख्याल में, और अच्छे बढ़िया तत्व विचार करोगे, तत्व निर्णय करोगे तो और बढ़िया मिलेगा, ख्याल में आए कि नहीं, उसमें क्या बात है, और बढ़िया वेद ज्ञान करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे तो चरम शरीर ही बनोगे, तीर्थंकर वाला शरीर मिलेगा, क्या डरना, इसलिए इस जर्जर शरीर में एकत्व भी नहीं करना और द्वेष भी, द्वेष ऐसे नहीं करना कि पंडित जी ने बताया था ये शरीर अपना है ही नहीं, हम उसे भोजन ही नहीं कराएंगे, नहीं, जैसे उसकी जरूरत है वैसा जानना।